एक ऑटोमेटिक करंट कंट्रोलर का सेटअप, एक पीसीबी जिसे अंदर रेगुलेटेड 12 वोल्ट देना है प्लस 5 वोल्ट 100 के पोटेंशियोमीटर को देना है, एक एमीटर 0 to 5 एम्पीयर जो फर्नेस ट्रांसफार्मर के सीटी के सेकेंडरी में एमीटर के सीरीज में जुड़ेगा, एक फैन का रेगुलेटर, एक 750 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज टेस्ट में सप्लाई ऑन किया है, अनरेगुलेटेड 12 वोल्ट 5 वोल्ट, यहाँ पीछे 78-12 आईसी लगा हुआ है, इनपुट आउटपुट पीछे चेक करेंगे, पिन नंबर 11, बारह वोल्ट आ रहा है, यहाँ एसी के दो वायर लगाकर 12 वोल्ट, यहाँ एसी 12 वोल्ट, सफ़ेद वायर एसी के, रेक्टिफायर ब्रिज, फिल्टर कैपेसिटर, उसके बाद 78-12, फिलहाल ये एसी 12 वोल्ट नहीं यूज़ किया है, अनरेगुलेटेड 12 वोल्ट यहाँ से दिया है, लैम्प ग्लो रहा है, सीरीज टेस्ट लैंप कनेक्ट करेंगे, करंट तो सेट करेंगे, करंट जीरो टू फाइव सेट कर सकते हैं, फोर एम्पियर सेट किया फिलहाल, सीटी के सेकेंडरी में जो 0.004 आएगा उससे यहाँ लाना है, दो पीले वायर जो रेजिस्टेंस लगेंगे यहाँ पैरेलल में 2.2 के, ये हो जाएगा 1.1 के इंटू 0.04 करीब 4.4 वोल्ट, फिल्टर के बाद यहाँ वोल्टेज आएगा, ये वोल्टेज एक रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ पर, यहाँ से दो रेजिस्टेंस पिन नंबर 2 और 5 ये वेरिएबल वोल्टेज रहेगा ट्रांसफार्मर के और फर्नेस के लोड के अनुसार, तीन और छः यहाँ पर
प्रीसेट के बाद जोड़ने के, यहाँ पोटेंशियोमीटर के ग्रीन और ब्लू, आईसी का आउटपुट एक नंबर और सात नंबर, यहाँ से दो डायोड दिए हुए हैं, एक डायोड दूसरा डायोड, इसका आउटपुट एक रेजिस्टेंस के द्वारा पहले ट्रांजिस्टर को, दूसरे डायोड का आउटपुट एक रेजिस्टेंस के द्वारा दूसरा ट्रांजिस्टर, लाल वायर अनरेगुलेटेड 12 वोल्ट, काला वायर रिले का रिटर्न, ये दो वायर रिले के, दो वायर रिले के,